कोड बताना पड़ेगा 5306। मैंने एक छोटा सा कोरियर मंगाया था, डिस्क की बहुत ज़रूरत थी, हार्ड डिस्क केस, क्योंकि अभी तक जो मैं हार्ड डिस्क रख रहा था, जो GoPro का डब्बा है इसके अंदर ही मैं अपनी हार्ड डिस्क रख रहा था यहाँ पे, तो ये ना यहाँ से इस पर प्रॉब्लम कर रहा था, इस वजह से मैंने इसके लिए हार्ड डिस्क के लिए अलग से मंगाया। एंड तो ये बॉक्स है, लेट्स सी अंदर से ऐसा है, एंड ये वो अच्छे से फिट हो गया और ये बॉक्स भी हार्ड प्लास्टिक है। पुलाव सास बहू और रोजे की किचन में, वीडियो का लिंक और पहली वीडियो का लिंक होगा मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप चेक कर सकते हैं ये वाली वीडियोस, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इन लोगों को और मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने की। अपने पास 300 ग्राम ऑफ कुक्ड वाइट राइस और 100 ग्राम ऑफ सोयाबीन जो मैं लंच में लेने वाला हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ अभी लंच करने के बाद, कुछ इम्पोर्टेंट मुझे कुछ डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। सो जब मैंने फिटनेस स्टार्ट किया था उस टाइम पर मुझे जो बेसिक नॉलेज थी फिटनेस की, कि आपको वेट अपना कैसे बढ़ाना होता है और आपको अपना फैट कैसे कम करना होता है, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बल्किंग एंड कटिंग। एंड आई डिड बल्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज इन क्लास 12। उस टाइम पे मैं बहुत स्किनी था, तो मैंने अपना उस टाइम पे वेट इंक्रीज किया था बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ गेनिंग। उसके बाद जो मेरा लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया था कटिंग कॉन्सेप्ट को यूज करके किया था, एंड दैट वॉज माई वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन आई एवर डिड। उस वक्त मैंने अपना वेट 83 से 63 किया था विद इन द स्पैन ऑफ 1 ईयर, एंड उस टाइम पे मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट था, तो मैंने जो कॉन्सेप्ट ऑफ कटिंग था वो यूज किया था। अभी मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ सिर्फ कटिंग फेज को लेके, क्योंकि वो मैंने बहुत लंबे टाइम तक किया था और उसका मुझे काफी एक्सपीरियंस है। तो उस टाइम पर जब मैं कटिंग कर रहा था तो उससे क्या हुआ था, क्योंकि जो मेरी मेंटेनेंस कैलोरी थी उस टाइम पर, उससे मैंने 500 to 1000 कैलोरीज कम इंटेक किया था अपना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। उससे मुझे फायदा तो हुआ था, मेरा जो फैट लॉस था वो बहुत ज्यादा हुआ था, बट उससे मेरा जो मसल मास था वो बहुत कम हुआ था और मेरी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस भी बहुत कम हुआ था, क्योंकि मैं बहुत कम कैलोरीज इंटेक कर रहा था एंड वर्कआउट ज्यादा कर रहा था। जो मुझे फैट लॉस चाहिए था वो मेरा फैट लॉस तो हो गया था, बट मेरी बॉडी बहुत वीक हो गई थी और मैं बहुत श्रिंक लगता था। उसकी वजह से लास्ट ईयर मैंने अपना वेट गेन दोबारा किया, 63 से मैं अभी 78 हो गया था लास्ट 3 महीने पहले तक। उसके बाद से मैं अपना मेंटेनेंस कैलोरी पे ही था अभी तक, एंड राइट नाउ माय वेट इज 72 kg। ये सब बातें मैंने आपको इसीलिए बताई है क्योंकि फ्रॉम टुडे मैं एक नया कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ फॉर नेक्स्ट 6 to 7 months, एंड द कॉन्सेप्ट इज बॉडी रिकम्पोजिशन। बॉडी रिकम्पोजिशन में होता क्या है, बॉडी रिकम्पोजिशन में आप मसल भी गेन करते हैं और साथ ही साथ आपका जो फैट लॉस होता है वो भी साथ ही साथ चलता है। मतलब बल्किंग फेस है और कटिंग फेस है, उनका एक सेंटर लाइन अगर मैं उनके बीच में एक ड्रॉ कर दूं, दैट इज बॉडी रिकम्पोजिशन। ये मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूँ और ये जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन अब होने वाला है वो सारा आप लोगों के सामने ही रहेगा, मेरी बॉडी कितना उस पर कैसे रिएक्ट कर रही है वो सब आपको पता चलता रहेगा। कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में यूज करने वाला हूँ। सबसे पहला जो है वो है मैं टोटली वेजिटेरियन डाइट फॉलो करूंगा पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में। सेकेंड होने वाला है मैं कोई जिम ज्वाइन नहीं करूंगा, जितना मेरा वर्कआउट है वो सारा होम वर्कआउट ही होने वाला है, एंड मैं चाहता हूँ आप भी ये जर्नी मेरे साथ स्टार्ट करें।
एंड आज का जो व्लॉग होने वाला है इसमें तो मैंने आपके साथ बस जस्ट ये शेयर किया है। जो कमिंग अप व्लॉग्स आएंगे मेरे उसमें मैं करंट बॉडी से लेकर अपना जो डाइट है धीरे धीरे आप लोगों के साथ सब शेयर करने वाला हूँ। सो प्लीज स्टिक विद मी थ्रू आउट दिस जर्नी एंड लेट्स मेक इट हैपन। I got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs. And I finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light. And I'ma take shots like a tech nine. It's gonna get light. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it bounce. Mama see the foot cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime and my money back. Everybody wanna know. अभी जस्ट मैं अभी अपनी वॉक कंप्लीट करके आया हूँ और अब मैं करूँगा एडिट वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हेल्थी।